हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड की। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोर देन 25 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा आ चुका है। और उसका रीज़न भी ये है क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो बेटर रिटर्न है, डबल डिजिट रिटर्न मिल रही है, जिससे इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न आपको मिल पाती है और आपकी रियल रिटर्न होती है। बट अगर अब हम बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर से पैसा लेके उनकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पैसा लगाया जाता है, जिसमें एक स्कीम होती है इक्विटी ओरिएंटेड, यानी वो पैसा लेके कंपनी शेयर्स में पैसा लगाती है, इक्विटी मार्केट में पैसा लगाती है। अब जब इक्विटी मार्केट में लगाती है तो उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, या मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होती हैं दोनों स्कीम और इसमें क्या डिफरेंस रहता है और आपको किस में पैसा लगाना चाहिए। तो आइए एक कंपेरिजन देखते हैं मल्टी कैप का और फ्लेक्सी कैप फंड का। तो अब हम हमारे सामने आ गया है मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। तो देखिए, मल्टी कैप फंड की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी इन्वेस्टर से पैसा आया है इस स्कीम में, कंपनी मिनिमम 75% शेयर मार्केट में पैसा लगाएगी, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। 75% से ज़्यादा भी लगा सकती है, बट मिनिमम 75% इक्विटी में लगाना है। अब जब इक्विटी में लगाना है तो कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज बड़ी कंपनी होती हैं जिन्हें लार्ज कैप बोलते हैं, कुछ छोटी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप हैं, और कुछ का कैपिटलाइजेशन एवरेज मिडिल लेवल में होता है, इनको मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। अब कंपनीज कैसे डिसाइड करती हैं कि लार्ज कैप कौन सी है, मिड कैप या स्मॉल कैप? तो एमफी ने, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है, हर 6 मंथ में लिस्ट पब्लिश करते हैं, जिसमें 5,000 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो उसमें जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलाइजेशन मतलब उनके कितने शेयर्स मार्केट में हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाई पर शेयर का प्राइस क्या है, तो जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो निकाला जाता है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, इस्टेब्लिश कंपनीज हैं, ओल्ड कंपनीज हैं, उनमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप में आती हैं। तो फर्स्ट 100 कंपनीज जो होंगी वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाएंगी, 100 to 250 कंपनीज तक मिड कैप कंपनीज कहलाएंगी, और उसके बाद जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप फंड कंपनीज कहलाएंगी। तो अगर आप इस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं मल्टी कैप में, तो कंपनी के पास जो भी पैसा आया है उसमें मिनिमम 25% ईच कैटेगरी में लगाना होता है, यानी 25% लार्ज कैप में लगाए, 25% मिड कैप में, और 25% स्मॉल कैप में। हो सकता है आप कंपनी 30% लार्ज में लगा दे या 30% मिड में लगा दे, वो रेशियो मेंटेन कर सकती हैं, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि तीनों में 25% मिनिमम इन्वेस्ट होगा। अब उसके बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो नवंबर 2020 में लॉन्च किए गए सेबी के थ्रू, और इसमें ये बताया गया कि इसमें आपको फ्रीडम है, आपको फर्स्ट थिंग मिनिमम 65% इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाना है, पहली चीज। दूसरा, अब आप लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में अकॉर्डिंग टू एवरेज आप कितना भी लगा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे फंड हाउस ऐसे हैं जो 40% लार्ज कैप में लगा रहे हैं और स्मॉल कैप में केवल 10% लगा रहे हैं, या अकॉर्डिंगली बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके फंड हाउस वाले स्मॉल कैप है उसमें ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, और लार्ज कैप में कम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका नाम ही फ्लेक्सी कैप फंड है, कि ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप तीनों कैप में, लार्ज, मिड और स्मॉल कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है। जबकि हमें समझ में आया कि मल्टी कैप में 25% मिनिमम इन्वेस्ट करना है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि आपको मल्टी कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए या फ्लेक्सी कैप में। तो देखिए, ओवरऑल बात करें तो ये मैं बता चुका हूँ कि हमारी सबसे पहले तो रिस्क प्रोफाइल पे बात डिपेंड करता है। अब देखिए, मल्टी कैप में उनको पैसा लगाना चाहिए जिनको लगता है कि नहीं भाई, लार्ज, मिड और जो स्मॉल कैप है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिससे रिस्क हमारा कम हो सकता है। और उनको लगता है कि अगर मान लीजिए स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लग गया और कभी डाउनफॉल आ गया, तो स्मॉल कैप में ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लॉस हो सकता है, तो उन लोगों को तो मिड कैप में लगाना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों की प्रेफरेंस ऐसी नहीं है, ठीक है, वो चाहते हैं कि जो फंड हाउस है वो मार्केट के जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर ले, वो फ्लेक्सी कैप में पैसे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो दो टर्म थे इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था। एक्चुअली सिचुएशन क्या थी, पहले 2017 से पहले मल्टी कैप ही चलता था 2020 से पहले, बट फिर क्या हुआ, मल्टी कैप में कंपनीज क्या करती थी, लार्ज कैप में बहुत सारे फंड हाउस थे जिन्होंने काफ़ी पैसा लगा रखा था, स्मॉल कैप में कम लगा रखा था। तो दे आर सर्टेन इन्वेस्टर जो कहते थे कि नाम से तो मल्टी कैप है पर मेजोरिटी पैसा तो लार्ज कैप में ही लग रहा है, तो हम बेटर हैं लार्ज कैप फंड में लगा दें। तो दैट इज़ द रीज़न ये कैटेगराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ी और सेबी सर्कुलर लेके आया, जिसके थ्रू
ये देखा गया कि काफी मल्टी कैप फंड थे जिनको फ्लेक्सी कैप में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया कंपनीज के थ्रू और नई मल्टी कैप फंड लॉन्च किए गए। तो जब भी आप पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप उस स्कीम को बेटर समझिए कि वो स्कीम क्या है, वो पैसा कहाँ लगा रही है और जो आपका ऑब्जेक्टिव या गोल है या आपकी रिस्क प्रोफाइल है, अकॉर्डिंगली वो पैसा लग रहा है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी ये कंसेप्ट क्लियरिटी हो और अकॉर्डिंगली वो मनी इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न कर पाए। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।